एक लायक बेटा 21 पीढ़ी को पूरा कुटुंब खानदान को तार देता है, एक लायक, और एक नालायक सारे कुटुंब खानदान को बदनाम बर्बाद भी कर देता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप ऐसे बने कि आपसे आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा जो हैं वो, जो नहीं हैं वो, सब गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ हमारे कुल में ऐसा सपूत जन्मा है जिसने हम सब का उद्धार कर दिया। और उद्धार कैसे होगा? सत्कर्मों से, अच्छे कार्यों से, अच्छे काम आप जैसे कि कर रहे हैं। आप वृंदावन आए हैं, जैसे आप लोग यमुना जी जाते हैं स्नान करने, गंगा जी जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं, तीर्थों में जहाँ भी आप जाते हैं, तो आप जब तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं तो आपके जाने से आप जितने प्रसन्न होते हैं आपके पूर्वज आपसे कई गुना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे वंश में कोई तीर्थ यात्रा पर गया, आज वृंदावन गया, बिहारी जी के दर्शन, आज कथा सुनने गया। पूर्वज भी तृप्त होते हैं कि हाँ हमारे वंश में कोई गया है, उसका दशांश पुण्य। अच्छा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि पिंडदान हम करते हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि आप अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, वो तो आप जानकर करते हैं ये हमारे पूर्वजों को मिले। आप भागवत जी की पोथी कराते हैं तो वो आप इसलिए भी कराते हैं कुछ लोग कि वो हम अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं। पर एक बात याद रखो कि कोई पूर्वजों के लिए भले कुछ भी ना कराए पर आपने जो पुण्य किया है वो आपके पुण्य का 10% आपके पूर्वजों के खाते में अपने आप ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसलिए पुण्य करते रहो, उनको मिलता रहेगा यदि किसी को आवश्यक है तो, जरूरत है तो। भाई एक सिंपल फंडा समझो ना, वो बीमा करने वाला जो एजेंट होता है ना, LIC इत्यादि, तो बीमा करने वाला यदि आपका बीमा कर दिया उसने, तो आपका बीमा उसने कर दिया तो सदा के लिए अब उसके खाते में, आपका बीमा किया है तो आपका कुछ परसेंट उसके खाते पे जाएगा जाएगा, हाँ या ना, सदा के लिए परमानेंट हो गया। अब वो कुछ भी करे ना करे, अब आपने यदि डाला है तो उसके परसेंट से वो उसके खाते पे ट्रांसफर सदा के लिए होता रहेगा। बाप दादों से हमें जन्म मिला है तो हमारा पुण्य उनके खाते में 10% ट्रांसफर होता ही रहेगा। आप करते रहो, जब हम पुण्य करते हैं तो बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। आपका किया गया पुण्य कितने परसेंट आपको मिलता है? जैसे मैंने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, चलो मैंने गंगा जी स्नान किया, मैंने एक डुबकी लगाई गंगा जी, और यदि मुझे एक डुबकी लगाने में 10% पुण्य प्राप्त हुआ तो 10% हमें जो भी पुण्य मिला उसका कुछ हिस्सा अपने आप पूर्वजों को जाएगा, कुछ हिस्सा आपके खाते पर रहेगा, कुछ हिस्सा आपके बच्चों के लिए जाएगा, क्योंकि बाप डुबकी लगाए तो बाप का किया पुण्य बेटे को भी मिलेगा और उसके बाप को भी मिलेगा, पीछे भी जाएगा आगे भी जाएगा और अपने पास भी रहेगा। तो हमारे द्वारा किया गया छोटा बड़ा पुण्य सब परिवार में बट जाता है। पत्नी का पुण्य, वो माँ किसके लिए पुण्य करती है? बच्चों के लिए। तो माँ के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं। कहते हैं माँ बाप यदि पुण्यशाली हैं तो माँ बाप के पुण्य से बच्चों की तरक्की होती है। बाढ़ है पूत पिता के धर्म, ये कहावत है। माँ बाप धर्मात्मा है तो उस धर्म का फल उनके बच्चों को मिलता ही मिलता है, और माँ बाप पुण्य नहीं करते तो बच्चों को नहीं मिलता। इसलिए आपका, आपके पूर्वजों का, सबका भाग्य प्लस होता है तब व्यक्ति कुछ करता है। एकदम से राजयोग नहीं आ जाते। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो केवल उस प्रधानमंत्री व्यक्ति का ही पुण्य नहीं है, उसकी माँ का, उसके पिता का, पूर्वजों का, उसने जीवन में जो पुण्य किया सारा इकट्ठा हो गया, और उस पुण्य के बल पर व्यक्ति कोई बड़े पद पर, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, बड़ा काम करता है। सबके बस की बातें सब थोड़ी हैं कि सब सब कर लेंगे, हर काम सब नहीं कर सकता ना, क्यों? तो उसी तरह ये, इसलिए हमारा केवल इस जन्म का पुण्य नहीं है,
आज ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, तो माता पिता गुरु जनों पूर्वजों की आशीर्वाद कृपा तो है, लेकिन पिछले जन्म का भी कोई पुण्य संग संग चल रहा है। इस जन्म का इतना पुण्य नहीं हो सकता कि ये दास आपकी सेवा कर सके। ये पुण्य कई जन्मों का संग संग, पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिल गई, क्योंकि उनका 21 जन्म पहले का पाप साथ साथ चल रहा था। पुण्य भी साथ साथ चलता है और पाप भी, जहां जिसको मौका मिला टपक जाता है, टपक जाता है। पितामह भीष्म से गलती हो गई, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, चुपचाप बैठे रहे, पाप को मौका मिल गया, अब इसके पास जाऊंगा, तो टपक गया। 21 जन्म पहले का पाप था वो, के मरे हुए सांप को, तड़पते सांप को कांटों में फेंका था, ये पिछले जन्म का पाप नहीं था, 21 जन्म पुराना पाप था। परंतु मिला अब, तो हमें जो दंड मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि हमने आज कोई पाप किया है, हो सकता है हमारे 10 जन्म पहले का पाप हमें आज भोगना पड़े, हो सकता है कि 20 जन्म पहले का पुण्य हमें आज भोगना पड़े। इसलिए अभी तो हम समझदार हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए ये दास सदा आपसे कहता है, पाप ना करो, पाप ना करो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं अगले जन्म, भोगना पड़ेगा। एक भी मछली को आपने मार डाला है तो उसके पाप का दंड भोगना पड़ेगा, एक भी मुर्गी को मारा है अपने स्वाद के लिए भोगना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले जन्म और नेक्स्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना यही है कि कोई भी काम करने के पहले सोच लो कि ये सही है या गलत है, पाप है या पुण्य है, पाप पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, इसका नॉलेज तो होना चाहिए। जिस महिला को नमक का भी अंदाजा नहीं है कि दाल में नमक कितना डालना है, सब्जी में नमक कितना डालना है, वो ठीक महिला नहीं है, मतलब उसे आइडिया नहीं है, बनाना नहीं जानती वो। कुल मिलाकर आपको ये तो पता होता है कि कितना नमक दाल में चाहिए, कितना नमक सब्जी में चाहिए, कुछ तो आइडिया है ना, इतना तो नॉलेज है आपको, तो इतना ये भी नॉलेज रखो कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्योंकि वो अपने को ही मिलना है। नमक ज़्यादा होगा वो दाल भी अपने को ही खाना है, जो नमक कम हो गया वो कम नमक वाली भी अपने को ही खाना है, क्यों जी सही, अपने को ही खाना है, तो अपने को ही भोगना है, ना पड़ोसी भोगने आएगा, ना बाप भोगने आएगा, ना माँ भोगने आएगी, सिंपल है। इसलिए ध्रुव जी के पुण्य से उनकी माँ परम धाम को चली गई, ध्रुव लोक में 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया, मनु जी ने समझाया और कुबेर जी ने दिव्य उन्हें आशीर्वाद दिया, भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।